हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी सेवन्थ क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 18, जिसकी डेट है 25 नवंबर 2020। नेम ऑफ द स्टूडेंट में आपको अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ द क्लास टीचर में आपको अपने क्लास टीचर का नाम, और अगर आपको बोल दिया है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखिए तो वो लिखना है। चलिए बच्चों, अब देख लेते हैं आपकी आज वर्कशीट में क्या है। आपको दो पिक्चर दी हैं, ये पिक्चर ए है और ये है पिक्चर बी। देखो, इधर तो लिखा हुआ है पिक्चर ए के बारे में और इधर लिखा है बी के बारे में। अब आपको ध्यान से देखो पिक्चर को और ये सेंटेंस को पढ़ो। देखो, ध्यान से देखो, ये पिक्चर कैसी है, अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है और ये बिल्कुल उजाले की तस्वीर है। अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। पिक्चर ए इज अ सीन ऑफ नाइट। पिक्चर ए में रात का सीन है। देर इज अ स्मॉल ट्री विद थिन स्टेम। यहाँ पे छोटा पेड़ है और जिसके स्टेम जो है, स्टेम मतलब तना, वो पतला है। द फेंसिंग इज शॉर्ट, और जो यहाँ पे इसकी दीवार है, वो जो फेंसिंग हो रखी है, दीवार बनी हुई है, वो छोटी है। द बैकग्राउंड इज डार्क, और ये जो है इधर बैकग्राउंड में पीछे क्या दिख रहा है, अंधकार दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है। अब आ जाते हैं पिक्चर बी पे। पिक्चर बी इज सीन ऑफ डे। पिक्चर बी दिन का सीन है। देर इज अ बिग ट्री एंड थिक स्टेम। यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ है और उसकी स्टेम जो है थिक है, घनी है। द फेंसिंग इज टॉल, और देखो ये जो दीवार बनी है ये यहाँ पे ये लंबी है ना, ये टॉल है। द बैकग्राउंड इज लाइट, और जो इसकी बैकग्राउंड है वो हल्की है, यानी कि दिन का समय उजाला है ना, लाइट है, ब्राइट है। अब बच्चों, आपको क्या करना है यहाँ पे, द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द कॉलम ए। जो आप कॉलम ए में हाईलाइटेड वर्ड देख रहे हो, हाईलाइटेड यानी कि जो बोल्ड लेटर में मोटे मोटे दिख रहे हैं ना आपको, ये नहीं पिक्चर नहीं, नाइट, स्मॉल, थिन, शॉर्ट, डार्क। जो हाईलाइटेड वर्ड इन कॉलम ए एंड कॉलम बी हैव अपोजिट मीनिंग। डू यू नो व्हाट दीज वर्ड्स आर कॉल्ड, वी कॉल एंटोनिम। समझे, जो ये आपके दिख रहे हैं ना, ये इनके अपोजिट है। देखो, जैसे नाइट, नाइट का डे हो गया है ना, नाइट का डे अपोजिट वर्ड होता है दिन, रात। स्मॉल का अपोजिट वर्ड होता है बिग, है ना, स्मॉल छोटा और बिग बड़ा। ठीक है, अब देखिए अगला, देखिए थिन, थिन यानी कि पतला, और थिक मतलब घना, है ना, शॉर्ट छोटा, और टॉल बड़ा, ये इसका अपोजिट वर्ड, उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द, और डार्क का हो गया लाइट, तो ये इनके अपोजिट वर्ड है। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, फैट का थिन, टॉल का शॉर्ट, स्मॉल का लार्ज, है ना, स्मॉल का क्या हो गया बच्चों, स्मॉल का लार्ज, और डे का नाइट। ठीक है, इस तरीके से ये इनके उल्टे शब्द हैं। एंटोनियम्स उन्हें बोलते हैं जो उनके अपोजिट मीनिंग, जो उनका उल्टा अर्थ रखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमें क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली। अब हमें ध्यान से इस पैराग्राफ को पढ़ना है और कुछ वर्ड्स ढूंढने हैं जिनके अपोजिट मीनिंग होंगे, और हमें उन्हें स्पेस में लिखना है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। मीना इज़ अ वाइज गर्ल। मीना कैसी लड़की है, वाइज है, बुद्धिमान लड़की है। सी लिव्स इन स्मॉल विलेज ऑफ हरियाणा, और वो हरियाणा के छोटे से गाँव में रहती है। द विलेज इज 25 किलोमीटर फार फ्रॉम दिल्ली, और दिल्ली से उसका जो घर है 25 किलोमीटर दूर है। मीना लव्स हर विलेज वेरी मच। मीना को अपना गांव बहुत ही पसंद है ना। सी हैज अ बिग हाउस, और उसका एक बड़ा घर है। देर इज अ वेरी ब्यूटिफुल पार्क नियर द हाउस, और उसके घर के पास क्या है, बहुत ही सुंदर पार्क है। द पार्क हैज सम टॉल ट्रीज एंड सम शॉर्ट ट्रीज, और पार्क में कुछ तो बड़े पेड़ हैं और कुछ छोटे पेड़ हैं। द पार्क रिमेन्स वेरी क्लीन, और जो पार्क है वो हमेशा साफ रहता है। बट इट लुक्स अगली, लेकिन ये अब गंदा दिख रहा है। वेन सम फूल पीपल, क्योंकि कुछ मूर्ख लोग मेक इट डर्टी, उन्होंने इसे गंदा बना दिया बाई थ्रोइंग गार्बेज। कुछ गंदे लोगों ने, मूर्ख लोगों ने कूड़ा फेंककर इसको गंदा बना दिया। मीना हेट सच पीपल, और मीना को ऐसे लोगों से बड़ी नफरत है। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये वर्ड दिए हुए हैं आपके पैराग्राफ से, अब आपको क्या करना है, इनका उल्टा वर्ड लिखना है। तो वाइस का उल्टा बताओ कौन सा वर्ड है इसमें। तो वाइस का उल्टा बच्चों आपका ये दिया हुआ है, फूल। ठीक है, कौन सा दिया हुआ है आपका वाइस का उल्टा, ये वाला फूल। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख दोगे आप F O O L, फूल। ठीक है, टॉल
है ना। टोल का मतलब क्या होता है, टोल का मतलब होता है बड़ा, है ना, और छोटे का क्या मतलब होता है, शॉर्ट। तो ये हो गया आपका शॉर्ट, तो ये आपका तीसरे वाले में आ जाएगा, ये तीसरा है बच्चों यहाँ पे शॉर्ट। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, एस एच ओ आर टी। आप यहाँ से वर्कशीट से भी देख सकते हो बच्चों, एस एच ओ आर टी, ये हो गया आपका शॉर्ट। क्लीन, क्लीन का मतलब क्या होता है, पहले इसको देखते हैं टू को, है ना, क्योंकि ये हमने करा नहीं है और इधर के कर लिए। स्मॉल, स्मॉल क्या होता है, छोटा, और बिग क्या होता है, बड़ा। तो ये आपका आपका नंबर टू में आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बी आई जी, बिग, ठीक है, बिग हो गया। अब देखो क्लीन, क्लीन का मतलब क्या होता है, अच्छा ये रह गया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का क्या होगा, ब्यूटीफुल का होता है सुंदर, और अगली का क्या होता है, अगली का होता है बदसूरत। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका फोर में आएगा अगली, ठीक है बच्चों, ये वाला आपका फोर में आएगा, यू जी एल वाई, अगली, ठीक है। चलिए अब आया क्लीन, क्लीन का क्या आएगा बच्चों, क्लीन का ये वाला आपका वर्ड आएगा डर्टी, डी आई आर टी वाई, डर्टी। अब यहाँ पे लिख दोगे डर्टी। अब देखो लव्स, लव्स होता है प्रेम करना किसी को, और हेट्स होता है नफरत करना। तो आप इसमें क्या लिख देंगे बच्चों, इसमें आप लिख देंगे हेट्स, है ना। लव्स का क्या आ जाएगा, एच ए टी ई एस, हेट्स, ठीक है। तो आपको दोबारा बता देती हूँ, सुन लीजिए ध्यान से, क्या है, वाइज का फूल हो जाएगा, टॉल का शॉर्ट हो जाएगा, क्लीन का डर्टी हो जाएगा, स्मॉल का बिग, ब्यूटीफुल का अगली हो जाएगा, और लव्स का हो जाएगा आपका हेट्स, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे, आगे आगे क्या दिया गया है, रीराइट द सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद एंटोनियम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आपको सेंटेंस को दोबारा से लिखना है फिल इन द ब्लैंक्स भरते हुए, और एंटोनियम लिखने हैं हाईलाइटेड वर्ड्स के जो बॉक्स में है, जो भी हाईलाइटेड मतलब जो ब्लैक से लिखे हुए हैं, इनको दोबारा से लिखना है, लेकिन इसका उल्टा कर देना है। दिस द बॉय इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव, लिखा हुआ है लड़का बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक्टिव है, तो हमें क्या करना है, लड़का बहुत ही वीक है, तो इसमें क्या भरेंगे हम, पहले वाले का ये आ जाएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा बच्चों वीक, डब्ल्यू ई ए के, वीक, डब्ल्यू डबल ई के मत लिख देना, वो होता है आपका सप्ताह, और डब्ल्यू ई ए के वीक होता है आपका कमजोर, ठीक है। द बॉय इज वीक एंड एक्टिव का क्या हो जाएगा, लेजी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपका लेजी, ठीक है। पहला वाला सेंटेंस हो गया, अब करते हैं दूसरा वाला सेंटेंस। His painting is beautiful and expensive. उसकी पेंटिंग सुंदर है लेकिन महंगी है, ठीक है, सुंदर है और महंगी है। अब सुंदर की जगह हमें क्या अलग करना है, इसका उल्टा लिखना है। तो his painting is ugly, गंदी है, यू जी एल वाई, भद्दी है, और कैसी है, एक्सपेंसिव की जगह लिखेंगे चीप, ठीक है। ये ugly आ गया और ये आ गया चीप, सस्ती है, C H E A P, ठीक है, ये आ गया। अब तीसरा सेंटेंस देखिए आप, सी रन्स फास्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस, वो तेज दौड़ती है स्मूथ सरफेस पे, मतलब बिल्कुल बिल्कुल साफ जो सरफेस है उस पे। तो क्या आ जाएगा, फास्ट का उल्टा, सी रन स्लो, वो कैसे दौड़ती है, वो स्लो दौड़ती है, क्या करना है इसमें, स्लो। चलिए कर लेते हैं, यहाँ पे सी रन स्लो, एस एल ओ डब्ल्यू, स्लो लिख देंगे, और ओना रफ सरफेस, रफ है, बड़ा ही गंदा, ऊंचा नीचा सा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर ओ यू जी एच, इसका उल्टा होता है रफ। तो ये भी हमारा हो गया। आई लाइक हॉट कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह में गर्म कॉफ़ी पीना पसंद है, तो हॉट की जगह क्या लिखेंगे, कोल्ड, आई लाइक कोल्ड कॉफ़ी। ये जो नीचे वाला है आपका, इसमें बच्चों क्या कर देंगे, कलर चेंज कर लेती हूँ आप लोगों के लिए, जो नीचे वाला है इसमें लिखेंगे आई लाइक कोल्ड कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग का क्या हो जाएगा, इवनिंग, ठीक है, इसमें कोल्ड आ गया और इवनिंग आ गया, तो सब सारे बच्चों हमारे भरे गए, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा आपकी वर्कशीट, और मुझे पता है आपको हेल्प मिली है वीडियो से, तो बच्चों आपको भी तो मुझे सपोर्ट करना है, आपको वीडियो को लाइक भी करना है सारे बच्चों को, और अपने सारे दोस्तों को शेयर भी करना है जिससे वो भी करें, और बच्चों आपको एक अपना प्यारा सा कमेंट भी लिखना है, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल भी दबाया करो बच्चों, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी इंग्लिश की वर्कशीट मैं फिर लेकर आऊँगी, और आप फिर से आप मजे से पढ़कर उसको सोल्व कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।